Now, here we are looking at structure for negative sentence or present continuous tense in passive voice. अभी हम negative sentence का structure देख रहे हैं, present continuous tense में passive voice का. Our structure for negative sentence, our structure will be object plus is, am, are. Plus not, plus being, plus ambidextrous, plus by subject, optional agent. Our structure for negative sentence: object plus is, am, are plus not plus being plus main verb का third form plus by subject means optional agent plus other word. This is the structure for negative sentence. ये हमारा negative वाला structure है. अच्छा, अभी इसी structure को आप second type से बना सकते हैं. जैसा कि मैंने आपको affirmative sentence में बताया था सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर, उसी तरीके से आप नेगेटिव में भी सेकेंड टाइप स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं. इस तरीके से करेंगे इसको आप. नाउ इसी ऑब्जेक्ट को हम पैसिव सब्जेक्ट कहते हैं. ये जो आपको ऑब्जेक्ट होता है इसे हम पैसिव सब्जेक्ट कहते हैं. देयर इज ए मार्क प्लस नोट प्लस बीन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय पैसिव ऑब्जेक्ट मीन्स ऑप्शनल एजेंट प्लस अदर वर्ड. दिस इज स्ट्रक्चर फॉर निगेटिव सेंटेंस. ये आपका निगेटिव सेंटेंस है के लिए स्ट्रक्चर है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है पैसिव वॉइस का. दैट इज योर चॉइस व्हाट एवर यू वॉन्ट टू यूज टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंस. ये सेंटेंस में आपकी चॉइस है. आप स्ट्रक्चर फर्स्ट को फॉलो करके सेंटेंस की फ्रेमिंग करें या फिर सेकेंड की, बोथ आर सेम. दोनों ही आपकी सेम है. एज पर मी यू शुड फॉलो फर्स्ट स्ट्रक्चर. आप फर्स्ट को ही फॉलो करें क्योंकि एज पर स्टडी अभी तक हम इसी स्ट्रक्चर को पढ़ते हुए आ रहे हैं तो ये हमें समझना ज्यादा आसान होगा. लेकिन यदि आप सेकंड को ही फॉलो करेंगे तो भी आपका ये राइट है. इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता. कुछ नहीं किया है, जो ऑब्जेक्ट होता है इसी को हम पैसिव सब्जेक्ट के देते हैं. अभी इस तरीके से मैंने आपको दोनों स्ट्रक्चर बता दिए. अब इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके अब हम सेंटेंस की फ्रेमिंग कर रहे हैं. नाउ वी आर लुकिंग वेरियस एग्जांपल ऑन नेगेटिव सेंटेंस. नाउ वी आर लुकिंग इलस्ट्रेशन ऑन नेगेटिव सेंटेंस. Illustration means example. Our first illustration is state. Books are not being bought. Market. Books are not being brought from market. Books are not being brought from market. Its Hindi meaning will be books को market से नहीं लाया जा रहा है. Books को market से नहीं लाया जा रहा है या फिर books को market से नहीं ला रहे हैं. That is its Hindi meaning. ये इसकी Hindi meaning है. आप देख रहे होंगे ये आपका object books. Then below noun are not being brought. ये आपकी main verb की third form. फ्रॉम टू मार्केट भी आपका अदर वर्ड. यदि आपका एजेंट मेंशन होता तो आप अदर वर्ड के पहले एजेंट मेंशन करते. यदि नहीं है तो नॉट नीड टू पुट इट. इसको पुट करने की आपकी जरूरत नहीं है. नेक्स्ट एग्जांपल. टेबल इज नॉट बीइंग being
decorated nowadays. Tevaru is not being decorated nowadays. Its Sindhi meaning will be झांकी को आजकल नहीं सजा रहे हैं, झांकी को आजकल नहीं सजा रहे हैं, या फिर झांकी आजकल नहीं सजाई जा रहा है. That is its Sindhi meaning. आप नेक्स्ट एग्जांपल window is not being being open for taking Fresh air. Window is not being opened for taking fresh air. Window is not being opened for taking fresh air. Its Hindi meaning will be window को fresh air लेने के लिए नहीं खोला जा रहा है. Window को fresh air लेने के लिए नहीं खोला जा रहा है. That is its Hindi meaning. Our next example. I am not wanted by him. I am not being taunted by him. I am not being taunted by him. Its Hindi meaning will be मुझे उनके द्वारा ताने नहीं मार रहे हैं. मुझे उनके द्वारा ताने नहीं मार रहे हैं. That is its Hindi meaning. या फिर मुझे उनके द्वारा ताने नहीं मारे जा रहे हैं. Next example. They are not being assured for by me for in work. They are not being assured by me for completing work. They are not being assured by me for completing work. Its Hindi meaning will be उन्हें मेरे द्वारा कार्य करने के लिए आश्वासन नहीं दिया जा रहा है. उन्हें मेरे द्वारा कार्य करने के लिए आश्वासन नहीं दिया जा रहा है. That is its Hindi meaning. या फिर उन्हें मेरे द्वारा कार्य करने के लिए आश्वासन नहीं दे रहे हैं. It is also its Hindi meaning. ये भी इसकी Hindi meaning. Then object. आप इसे object कहें या फिर passive subject. You know now we are not being embittered. इसमें आपका ये एजेंट है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जिसे आप बोलते हैं एजेंट या अदर वर्ड. नेक्स्ट एग्जांपल हर फादर इज नॉट being sent to the office. Her father is not being sent to the office. Her father is not being sent to the office. Its Hindi meaning will be उसके फादर को ऑफिस नहीं भेज रहे हैं. उसके फादर को ऑफिस नहीं भेज रहे हैं. That is its Hindi meaning.
राजेश इज नॉट, इज नॉट, इज नॉट बीन बीन रेस्क्यूड, रेस्क्यूड इन फ्लड, इन फ्लड. Rajesh is not being rescued in flood. Rajesh is not being rescued in flood. And Sindhi meaning will be Rajesh को flood में rescue नहीं किया जा रहा है. Rajesh को flood में rescue नहीं किया जा रहा है. That is Hindi meaning. Rescue means बचाना. Now you have understood how to construct negative sentence in present continuous tense on passive voice. Here I have told you its structure. Structure 1 and structure 2 both. And I have also mentioned various example by writing it. अभी मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी बता दिए हैं दोनों टाइप के, और उस पर मैंने आपको वेरियस एग्जाम्पल भी दिए हैं किस तरीके से आपको उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल बनाना है और सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस के लिए. आपको मैंने सेपरेट स्ट्रक्चर बताया, आपको मैंने एजेंट का यूज़ करके भी एग्जांपल बताया, विदाउट एजेंट का भी यूज़ करके भी एग्जांपल बताया. आप इस तरीके से और भी सेंटेंस के फ्रेमिंग कर सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. इस तरीके से आप और भी सेंटेंस की फ्रेमिंग करें. कंटिन्यू फॉर वॉचिंग माई नेक्स्ट पार्ट एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट. आप इसके नेक्स्ट पार्ट को भी देखने के लिए हमसे जुड़े रहें. यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें.